हेलो स्टूडेंट्स, अपन कल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म को अपन पढ़ रहे थे और उसमें कल पढ़ा था अपन ने ओवर रिप्रोडक्शंस। तो ओवर रिप्रोडक्शन के बाद में अब अगला आता अपना पॉइंट, वो आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन के लिए संघर्ष। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन की हर पहलू पर एक संघर्ष होता है और यदि संघर्ष नहीं करेगा एनिमल्स तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि सभी जंतुओं के बहुत सारे अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, पर उनमें से सारे के सारे विकसित नहीं हो पाते हैं। इनमें से कुछ जो एग होते हैं वो प्राइमरी स्टेज में नष्ट हो जाते हैं, तो कुछ लार्वा स्टेज में, तो कुछ भ्रूण एम्ब्रियो बनते बनते वो नष्ट हो जाते हैं, और यानी उसकी मैच्योर स्टेज को कोई कोई ही प्राप्त कर पाता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न जीवधारियों में जीवन की वास्तविक संभावनाओं से अधिक रिप्रोडक्शन करने की प्रवृत्ति के कारण भोजन, उनके लिए स्थान और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है। इनकी कमी के कारण आपसी संघर्ष और कॉम्पिटिशन की स्थिति पैदा हो जाती है और यह आपसी जो स्ट्रगल होता है एक जाति के विभिन्न सदस्यों या एक जाति द्वारा अन्य जातियों से भी हो सकता है। यानी कि जो स्ट्रगल होता है वो एक जाति में भी हो सकता है और एक से अधिक जातियों में भी हो सकता है जीवन जीने के लिए। इसके अलावा प्राणियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उतार चढ़ाव से भी संघर्ष करना पड़ता है। संक्षेप में अपन जीवन के लिए निम्न प्रकार के जो संघर्षों की सफलता प्राप्त करने पर ही कोई एनिमल्स पूर्ण अवस्था प्राप्त करके अपनी अगली जनरेशन को जन्म देने में सफल हो पाता है। यानी इस तरह के बहुत सारे संघर्षों से निकलने के बाद ही जो एनिमल्स है वो अपना जीवन जीने में सफल हो पाता है। इसमें अपन पहला देखेंगे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। यानी जन्म के तुरंत बाद प्रत्येक जो जीवधारी को सबसे पहले अपनी ही जाति के सदस्यों से कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यानी बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें अपनी ही जाति के लोग उनको आगे डेवलप होने के लिए अवरोध बन जाते हैं, तो इस तरह से उनका जो संघर्ष होता है उसमें अपनी ही जाति यानी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल को उनको फेस करना पड़ता है। समान जाति के सदस्यों की जो मूलभूत आवश्यकताएँ भी समान होने के कारण कठिन कंपटीशन उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पर जो जिनमें पावरफुल मेंबर्स होते हैं वो अपनी जाति के जो कमज़ोर जो मेंबर्स होते हैं उनका विनाश करके अधिक से अधिक सुविधाओं पर अधिकार कर लेते हैं। यानी कि जो जीव ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली होगा तो वह दुर्बल जंतुओं को अपनी ही जाति के जो दुर्बल जंतु होते हैं उन पर एकाधिकार कर लेता है, उनका विनाश कर लेता है। और उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि जो लॉबस्टर होता है के आर्टिफिशियल डेवलपमेंट्स में यदि उनके जो न्यूबॉर्न्स एनिमल्स होते हैं उनको तुरंत अलग जलाशय में नहीं हटाया जाता है तो वो एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। यानी कि हम उनके या उनके जो पेरेंटल केयर की भावना से उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन न्यू बॉर्न जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको यदि वहाँ से सेपरेट नहीं करेंगे तो वो नहीं बच पाएंगे और उन्हीं की जाति के उनको मार देंगे। इसी प्रकार से जो ओशियन में अपन देखते हैं कि 22 फुट लंबी जो किलर व्हेल है तथा 72 फीट लंबी जो ग्रीनलैंड व्हेल है वो वहाँ पर आराम से ओशियन में रहती है। यह मोलस्का और जो एल्गी होती है उस पर डिपेंड रहती है, और जबकि जो ग्रीनलैंड फिश है वो और जो किलर व्हेल है वो अपने जीवन यापन इन्हीं के ऊपर करती है। ग्रीनलैंड व्हेल का शिकार करने के लिए जो किलर व्हेल है दो समूह में डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप होता है वो ग्रीनलैंड व्हेल के ऊपरी जपड़ा पकड़ता है जबकि दूसरा ग्रुप होता है वो निचला उसका जा होता है उसको पकड़ता है। फिर दोनों ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं
जब तक ग्रीनलैंड जो फिश होती है वो दम न तोड़ दे। तो इस तरह का जो उनमें स्वजाति भक्षण होता है वह इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल का उदाहरण है। इसमें जो सक्रिय भक्षण होता है और वह वहाँ हम आसानी से देख सकते हैं, इसलिए यह जो स्ट्रगल होता है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। यानी अपनी ही जाति के सदस्य को मारने के लिए अपनी ही जाति के मेंबर किस तरह से एकजुट होकर उसका विनाश करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है वह भी हम खूब देखने को मिलता है। बहुधा हम देखते हैं कि एक ही क्षेत्र अथवा आवास में अनेक जातियां रहती हैं और उनके स्थान, आवास, भोजन आदि की आवश्यकताएं भी समान होने से आपसी टकराव और संघर्ष उनमें छिड़ जाता है। और हम इस तरह का संघर्ष या इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हम गली मोहल्ले में आसानी से देख सकते हैं, जैसे अपन डॉग में देखते हैं, पिग में देखते हैं। तो इसी तरह जो इंट्रा स्पेसिफिक, जहाँ पर दो जातियों के बीच में संघर्ष होता है, तो वहाँ पर भी एक शक्तिशाली जो जाति होती है, जो कमज़ोर और निर्बल जाति होती है, उसका भारी विनाश करके उपलब्ध सुविधाओं का अधिकार कर लेती है। कभी कभी एक जाति दूसरी जाति को अपने भोजन के रूप में परिभक्षण करके जनसंख्या कंट्रोल पर कंट्रोल करती है। यदि हम इंडियन ईयर बुक के 1928 के जो डाटा देखें तो हम देखते हैं कि एक वर्ष में विभिन्न जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वो अपनी ही या दूसरी जातियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मारते हैं। और वाइल्ड लाइफ में 2587 अवसर्पों में हम देखते हैं कि 19258 व्यक्तियों को मार डाला। यानी इस तरह से उन्होंने मार डाला और फिर जो मानव ने भी उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मार डाला। तो इस तरह उन दोनों जातियों में, जैसे अपन देखते हैं कहीं पर रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि सर्प दंश की वजह से वो इतने आदमी मर गए, पर कई बार हम वो आदमियों के द्वारा भी बहुत सारे सर्प मार दिए जाते हैं। तो इसी तरह 1925 की जो डाटा हैं वो बताते हैं कि 21,605 वाइल्ड लाइफ को आदमियों ने मार दिया और 47,106 सर्पों को मार दिया। तो यानी दोनों में संघर्ष, जब उसने मारा फिर उसने मारा। तो इस तरह का जो संघर्ष होता है दो जातियों के बीच में चलता है, उन्हें इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल की संज्ञा देते हैं। पारिस्थितिकी जो होता है अपना इकोलॉजी सिस्टम्स होता है, उसमें पाए जाने वाले जो फूड वेब है, फूड वेब भी अंतरा जो जाति जो इंटर स्पेसिफिक जो स्ट्रगल है उसको दर्शाता है। देखते हैं कि उसमें कहीं रैबिट ग्रास पर डिपेंड होता है, कहीं पर हम देखते हैं कि जो ग्रास है वो लोमड़ी खा जाती है और जो लोमड़ी होती है उसको टाइगर या लॉयन खा जाते हैं। और फिर देखते हैं कि जो टाइगर होता है उसको मनुष्य मार देता है। तो जो मानव है उसको कभी प्लाज्मोडियम या माइक्रोबैक्टीरियल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड कर देते हैं और उससे वो मर जाते हैं। तो एक संस्कृत में भी एक श्लोक सभी ने सुना होगा कि जीवो जीवस्य भोजनम। और इसमें जो बायोटिक कम्युनिटी होती है, इसमें जो एनर्जी फ्लो होती है उसको, तो वहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल आमतौर पर हमको दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो यानी अभी तक हमने एक ही जाति का और अलग अलग जातियों का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो देखते हैं कि जो सभी एनिमल्स होते हैं वो अपने वातावरण में विभिन्न उतार चढ़ावों से निरंतर स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी कभी वातावरण में अचानक भयंकर विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं, जिनके प्रभाव से अनेक जो फ्लोरा और फौना का भारी विनाश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इस टाइम जो फ्लड चल रहा है, फ्लड से कितना विनाश हुआ है, कितने एनिमल्स, कितनी जो वेजिटेशन है वो समाप्त हो गई है। तो इसी तरह से सूखा आता है, भूकंप आता है, शीतलहर, लू, ज्वालामुखी,
बहुत जगह फट जाते हैं, समुद्री और बर्फीले तूफान आते हैं, विनाशकारी होते हैं, और वो बहुत से जो बायोटा है उसका विनाश करते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं पिछला इतिहास में अपन जाते हैं तो देखते हैं जापान में 1923 में एक भूकंप आया था और वो 10,300 व्यक्ति घटना स्थल पर ही मर गए थे, और कई बार ज्वालामुखी फटने से भी बहुत सारे जो हजारों की संख्या में एनिमल्स और लाखों की संख्या में जो बायोटा होता है जिसमें माइक्रोब्स आते हैं, वेजिटेशन आती है, फ्लोरा और फौना कंप्लीट आता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो डार्विन के अनुसार जो एनिमल्स में अत्यधिक रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी पाई जाती है, फिर भी उनकी जो मैच्योर जो पॉपुलेशन होती है उसमें स्थिरता रहती है। उसका प्रमुख कारण स्ट्रगल है, लाइफ स्ट्रगल है, और लाइफ स्ट्रगल उन प्रकारों को भी शामिल किया गया है जिनमें से प्रत्येक एनिमल का प्रिजुरेशंस अदर एनिमल्स व एनवायरनमेंट से उसके रिलेशन पर वह उनकी जो जनरेशन उत्पन्न करने की क्षमता पर डिपेंड रहता है। उपरोक्त जो स्ट्रगल में कुछ जो बायोटा होते हैं वो सफलतापूर्वक जीवित रहते हैं और इनके विपरीत उनको जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में नष्ट हो जाते हैं। यह स्वयं सिद्ध है कि स्ट्रगल में सफल होने वाले जीवधारियों में नष्ट होने वाले असफल जीवधारियों की तुलना में कुछ सुलभकारी प्राकृतिक विभिन्नताएं जो नेचुरल वेरिएशंस होती हैं उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सक्षम बनाती हैं।